हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11 में 11 ए और बी वालों बच्चों को शॉर्ट स्टोरी जो हमारी का जो पार्ट है बुक, हालांकि आपकी एक ही है, तो उसी में शॉर्ट स्टोरी भी है, जैसे प्रोज है, शॉर्ट स्टोरी है, पोएम है, तो शॉर्ट स्टोरी का लेसन सेकंड है। जो फर्स्ट पढ़ा दिया था, जो सेकंड लेसन है द एड्रेस, एड्रेस मतलब पता। इसकी जो ऑथरिस है लेखिका मार्गा मिल्को। तो इस पार्ट को समराइज कर रहा हूँ, संक्षेप में बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। तो बच्चों, इसमें क्या होता है कि एक बार युद्ध छिड़ा हुआ था और युद्ध के बारे में आप जानते हैं कितने घातक होते हैं, तो परिस्थितियाँ किस तरह हो जाती हैं, आदमी घर बार सब छोड़ने के लिए विवश हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो ऐसे ही लेखिका जब बचपन में छोटी थी तो उसकी माँ के साथ भी वही सब घटना हुई, तो उन लोगों को अपना घर वहाँ से छोड़ना पड़ा। तो इस कहानी में ये बताया गया कि दिस स्टोरी इज ऑफ अ डॉटर, ये कहानी उस पुत्री की है हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स, जो अपने माँ की जो वस्तुएँ थी जब वो बड़ी हो जाती है तो उनकी तलाश में जाती है आफ्टर द वार इन हॉलैंड, जो हॉलैंड में जो वार छिड़ा हुआ था उसके बाद। बिकॉज व्हेन द वार वाज गोइंग इन द हॉलैंड, जिस समय हॉलैंड में युद्ध चल रहा था, अर्थात जब लेखिका छोटी थी अपनी माँ के साथ जब हॉलैंड रहती थी, तो उसकी माँ ने अपनी सभी वस्तुओं को जो है उनको अपने घर को अपनी सभी वस्तुओं को घर को तो एक जगह छोड़ दिया, जो वस्तुएं थी जो उसकी माँ माने लेखिका की जो माँ थी मिसिज एस जो थी लेखिका की माँ थी, उन्होंने अपनी वस्तुओं को मिसिज डॉर्लिंग जो उनकी एक परिचित महिला थी उनको सौंप दिया। मिसिज डॉर्लिंग ने ही उन्हें कन्विंस किया था कि वो अपने सभी सामान उनको दे दें, और धीरे धीरे करके वो सामान एक एक करके लेखा को जैसे याद है कि जब वो धीरे धीरे करके उसके घर का सभी सामान ले गई थी, और इधर क्या था कि लेखा और उसकी माँ ने वहाँ पर अपना घर छोड़ दिया था और अपनी सभी वस्तुओं को उनको सौंप दिया था। तो लेखिका को बहुत सी वस्तुओं का नाम भी मालूम था, तो खैर इतनी बात होगी। फिर लेखिका एक जगह दूसरी जगह चली जाती अपनी माँ के साथ में, फिर उसकी माँ ने वो बड़ी होती है फिर सोचती है कि चलो अब चलते हैं अपने पुराने स्थान पर, और जो है मिसिज डॉर्लिंग जो उसकी माँ को परिचित थी जिनके पास सामान छोड़ा गया था वहाँ से वो लेके आती है। तो उसने ट्रेन पकड़ी जहाँ पर वो रहती थी, और ट्रेन को पकड़कर वो वहाँ पर वापस हॉलैंड में आई। तो उसके एड्रेस मालूम था क्योंकि उसकी माँ ने उसे बचपन में बताया था कि एड्रेस है जो मार्कोनी स्ट्रीट और हाउस नंबर 46, ये था एड्रेस मिसिज डॉर्लिंग के घर का, मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46। तो पता करते करते करते, क्योंकि अब बड़ी हो गई थी उसको धीरे धीरे भूल भी गई थी, लेकिन उसको पता मालूम था, तो किसी तरीके से पता करते करते वहाँ पर दरवाजे पर पहुँची। उसने डोरबेल बजाई, जब डोरबेल बजाई तो एक महिला उससे निकली, तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं मिसेस एस की पुत्री हूँ और मैं आपसे मिलने यहाँ पर आई अपना सामान वगैरह लेने। तो वो महिला बोली कि मैं तो तुम्हें पहचानती नहीं हूँ। अच्छा, वो चूँकि बच्ची थी उस समय लेखिका जब उसने अपने घर बार छोड़ा था, अब वो बड़ी हो गई थी तो उसको भी पूरी तरीके से याद नहीं था कि ये महिला क्या वही है मिसिज डॉर्लिंग है। तो होता ये कि मिसिज डॉर्लिंग जो स्वेटर पहने हुई थी हरे रंग का स्वेटर था, ग्रीन कलर का, तो इससे और जो उसमें
बुनाई वगैरह भी थी वो भी बिल्कुल वैसी थी, उसमें वुडन जो बटन लगे हुए थे, लकड़ी के बने हुए बटन लगे हुए थे, तो काफ़ी वॉशिंग होने के कारण से वो भी काफ़ी जो है धूमिल हो गए थे। तो लेकिन वो पहचान गई थी जो स्वेटर हुई, तो उसने पक्का उसको हो गया कि मिसेस डॉर्लिंग यही है। तो उस महिला ने उसको लेखिका को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन लेखिका ने उसे पहचान लिया। जब इतनी बातचीत हुई तो वो जब लेखिका अंदर जाने हुई तो उसने सोचा कि मिसेस डॉर्लिंग कहीं अंदर ना आ जाए तो और भी सब सामान जो है तो हमारा पूरा भेद खुल जाएगा, फिर ये अपना सामान वगैरह मानेगी। तो मेरे तो ऐसा हम कह सकते हैं कि मिसेस डॉर्लिंग की इच्छा नहीं थी कि वो सामान को लौटाएं। तो उन्होंने गेट को और समीप आ गई जिससे कि लेखिका अंदर ना आ जाए, और फिर उसमें बातचीत होती रही, लेकिन वो जो मिसेस डॉर्लिंग मानी नहीं। फिर इसके बाद में क्या होता है कि वो धीरे से पर्दे की आर्ट की तरफ से देखती हैं, तो वो उसके बाद मिसेस डॉर्लिंग गेट बंद कर लेती हैं। तो वो देखती है कि वहाँ पर लिखा हुआ था हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, और उसमें डॉर्लिंग भी मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस नाम भी दिया हुआ था नेम प्लेट में। तो इससे लेखिका कन्फर्म हो गया कि ये घर वही है। खैर उसको अपनी ट्रेन पकड़नी थी, जाने की जल्दी थी, तो उसने वहाँ से जाना प्रारंभ किया। फिर रास्ते में जो चीज़ें थी बचपन में धीरे धीरे करके उसको याद आने लगी, यहाँ से हम रहते थे और इन्हीं गलियों से गुजरते थे, इस तरीके से पूरा उसको अपने अपने धीरे धीरे करके उसको ये आइडिया हो गया कि ये चीज़ वही है और ये महिला उसे देना नहीं चाहती। फिर वो स्टेशन पहुँची, स्टेशन पर सब तमाम चीज़ें थी उनको भी याद किया, ये इतना इतनी बात उसकी मेमोरी में धीरे धीरे आती रही, और उन पुरानी यादों को सोच के वो काफ़ी दुखी भी हो रही थी, और बचपन की याद में के बारे में सोच के थोड़ा सा उसको ये भी था कि वो दिन कितने अच्छे थे। तो इस तरह से विचार करते हुए चली जा रही थी। इतना हो गया बच्चों, इतना ध्यान रखिएगा। अब इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं आपको कल बताऊंगा, इस स्टोरी का सेकंड पार्ट कल बताऊंगा। थैंक्स फॉर टुडे।